कोई बरात लंघ रही है इस एरिए कोई ब्याह हों आशीर्वाद लैके इतों वह डोला तो बरात ब्याहने जाते हैं। जदों ब्याह के आउंदे ने जां उस तो बाद जिहड़ा रस्म आ साडे पंजाब दी साडे भारत देश दी ओह भी इत्थे अपना आशीर्वाद लैके जोड़े ओह भी इत्थे आके इत्थे अपना नतमस्तक होके जांदे ने। असी कोई समा सीगा अज तो 2011 दे करीब असी इत्थे पटियाले दे तीन थाणियां दे विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दी फोटो असी जिहड़ी उत्थे SHO साहब नूं दे के आए सी वी इहनूं थाणे दे विच लाओ। दो नंबर डिवीजन के हूँ भी एक मुंशी साहब का कमरा वो पिछले पासे कमरा उत्थे हूँ भी लगी हुई है जी, अज भी प्रेजेंट आ वो फोटो। कल सवेरे जी असी 6 बजे इन्हों जिहड़ा हैगा कच्चे दुध नाल इशनान कराने हुंदे आ। कल सवेरे जी असी 6 बजे इन्हों जिहड़ा हैगा कच्चे दुध नाल इशनान कराने हुंदे आ। वो आए वाली तुसीं फेसबुक ते देखदे हो। 6 बजे इशनान कराउण तों बाद इत्थे प्रशासन वल्लों जो प्रोग्राम उलीके गए ने वो होणगे ते इनकलाबी नाटक होणगे ते सारा दिन इत्थे मेला भरूगा। एक किन्ने बजे है जी मंत्री जी का? कोई 10:30 बजे का टाइम है जी। ते तुसीं गल तां कर रहे हो मतलब कि तुहानूं ऐ वी लगदा है तुसीं बच्चों तुसीं बेसिक दी गल कर रहे हो, तुहानूं नहीं लगता है कि स्कूलों के कॉलेजों के इस तरह के कोई सैमीनार या इस तरह के बच्चों के कोई लिटरेचर कुछ इस तरह सैमीनार करवाने चाहिए जिन्हें कि बच्चे अवेयर हो सकते? देखो जी मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी की जिहड़ी सरकार आ पंजाब सरकार आ असी कोई समा सीगा अज तो 2011 दे करीब असी इत्थे पटियाले दे तीन थाणियां दे विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दी फोटो असी जिहड़ी उत्थे SHO साहब नूं दे के आए सी वी इहनूं थाणे दे विच लाओ। दो नंबर डिवीजन दे विच तां हुण भी एक मुंशी साहब दा कमरा उहदे पिछले पासे कमरा उत्थे हुण भी लगी हुई है जी, अज भी प्रेजेंट आ उह फोटो। इसे तरह कतवाली दे विच वी असी फोटो दे के आए सी, इसे तरह अपना जिहड़ा 4 नंबर डिवीजन आ उत्थे वी। सो साड़ी सोच सी उस सोच नूं सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जिहड़ा हर एक सरकारी दफ्तर दे विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी फोटो लाई ते नाल मानयोग साडे जिहड़े संविधान दे रचना करन वाले ने बाबा साहब अंबेदकर उन्हां दी फोटो लाई। इत्थों देखो एक बड़ी सिख मिलती आ, एक बड़ा पता लगता जो तुसीं दफ्तरां दे विच असीं कोई भी जाने आ वी इह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दी फोटो आ ते ये जिहड़े साडे संविधान दे जिन्हां ने लिखिया सी बाबा साहब दी फोटो आ। उस तो अलावा जिहड़ा हैगा तुसीं स्कूलां ते कॉलेजां दी आ जिहड़ा सप्ताह है पिछला भी एक टाइम एक हफ्ता लाया सीगा भी शहीदां दे नाम शहीद भगत सिंह दे नाँ ते एक सप्ताह मनाया जाए। सो ये भी जिहड़ा कल तो इत्थे रुख लाओ शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की सोच के मुताबिक रुख भी वंडे जाएंगे तो रुख लवाए भी जाएंगे तो कॉलेजों के स्कूलों के भी आने वाले टाइम के सैमीनार लगनगे। ये मेरी भी सोच है, मेरी अपनी बहुत पुरानी सोच है क्योंकि मैं भी कई स्कूलों के ना जी ड्रैंग मुकाबले कराए ने उत्थे मैं उन्होंने यही कहता सी शहीदों की फोटो बना के दिखाओ जिंद सब तो वधिया फोटो होगी उन्होंने इनाम दिता जाऊगा। कुछ कारण करके असी वो थोड़ा पछड़ गए असी शुरू करा जी। उन्होंने कहा भी जो भी इतने कुछ त्रुटियां ने जो कोई कमियां ने वो असी आने वाले टाइम के ठीक करांगे। सो साडा ते थोड़ा साडा सारिया का हक बनता है एक फर्ज बनता है कि शहीदां प्रति आपां अपनी सोच नूं बरकरार रखिए ते शहीदां दे जिन्ने जन्मदिन ने जन्म दिहाड़े ने वो जिवें आपां अपने बच्चों के आपां अपने मनाउने आं अपने भैन भाइयों के जन्मदिन नूं सैलीब्रेट करदे आं उस तरह इन्हां दे जन्मदिन भी आपां जिहड़ा हैगा मनाया करिए। एक तां साडे बच्चों नूं आउण वाली पीढ़ियां नूं इन्हां प्रति जागृति होगी भी इह कौण सी इन्हां ने की कीता क्योंकि 19 साल की उम्र करतार सिंह सराभा जी दी सी 19 साल की उम्र दे विच ना जद कोई मुंडा शाम नूं सवेरे घर गया होया काम ते पढ़न घर ना आवे तां फिर वो माँ किवें लूरियां लैंदी आ वो बाप किवें लूरियां लैंदा भी मेरा पुत गया सीगा हले तक आया नहीं। वो 19 साल के उन्होंने अपनी शहीदियां पा के इस मुल्क की आज़ादी के हिस्सा पाया। ऐसे तरह शहीद आजम अपना राजगुरु सुखदेव जी उन्होंने भी अपनी शहीदियां पा के उन्होंने भी इस मुल्क आज़ाद कराया। सो असी सारे दे थोड़े धन्यवादी हाँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी 115वां जन्म दिहाड़ा मना रहे 28 सितंबर न। उस संबंध के पटियाला भी असी
इनकलाबी नौजवान सभा वालों इत्थे जिहड़ा शहीदां दा शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनावांगे। सो इहो स्थान आ जिथे लोग आके इत्थों आशीर्वाद लैके जांदे ने, इत्थे नतमस्तक हुंदे ने, चाहे कोई जिवें आपां पिंडां च कह दिंदे आ थानी फेरना सवेरे जदों जन चढ़नी हुंदी आ मुंडे दी, मंदर गुरद्वारे जिथे पीरां दीआं जगां जां माता दीआं थान थानी कह दिंदे आ थानी फिरदे हुंदे ने। इसे तरह जदों इत्थे कोई बरात लंघदी आ इस एरिए च कोई ब्याह हुंदा तां उह आशीर्वाद लैके इत्थों उह डोला तां उह बरात ब्याहुण लई जांदे ने। सानूं बड़ी खुशी हुंदी आ जदों ब्याह के आउंदे ने, जां उस तों बाद जिहड़ा रसम आ साडे पंजाब दी साडे भारत देश दी उह वी इत्थे अपना आशीर्वाद लैके जोड़े उह वी इत्थे आ के इत्थे अपना नतमस्तक हो के जांदे ने। सो साथीओ इह जिहड़े शहीद ने सारिआं दे सांझे ने, इह देश दे शहीद ने, इह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारिआं लई सारिआं दे सांझे ने, किसे इक फिरके दे नहीं हैगे, क्योंकि जिहड़े देश दे शहीद हुंदे ने कौमां वार दे ने उह सारिआं दे सांझे हुंदे ने।